रूल्स है ना, इसको मानते हो? जब हम मीटर बदलते हैं MERC के थ्रू निकाला गया है, तो मुझे एज पर कंज्यूमर इतना राइट्स है अपना मीटर लाने का। हम मीटर ला के देते हैं आपको, ISI मार्क वाले, वो आप हमको टेस्ट करके दे दो। तो जब कंज्यूमर को आपके ऑफिस तक आना ही है, तो फिर क्यों चेंज करवा रहे हो? तो आपका ये काम बनता है कि सबसे पहले सारे कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट पावर के कर्मचारियों की बोलती एक महिला ने उस वक्त बंद कर दी जब वो मीटर बदलने गए थे। मामला कौसा खरडी रोड के मदीना अपार्टमेंट का है। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में संजय नगर से उठी टोरेंट पावर के खिलाफ आवाज तो पूरा मुंब्रा एक तरह से धीरे धीरे जग रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला खरडी रोड के मदीना अपार्टमेंट में, जहाँ टोरेंट पावर के कर्मचारी बिना नोटिस दिए मीटर बदली करने गए थे, मगर इमारत में रहने वालों ने मीटर नहीं बदली करने दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, मगर इसके बावजूद मीटर नहीं बदली कर सके। दरअसल महिला का कहना है कि ISI मार्क का मीटर वो खुद खरीद कर और उसे टेस्ट करवा कर लगा सकती है। तो फिर टोरेंट पावर अपना मीटर लगाने पर जोर क्यों दे रहा है, जब महिला ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर राइट्स बताते हुए टोरेंट पावर के कर्मचारियों से सवाल पूछा तो ये कर्मचारी जवाब नहीं दे सके। आखिरकार बिना मीटर बदली किए वापस लौटना पड़ा। दरअसल अगर मीटर फॉल्ट है, इसका टेस्ट हो। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर राइट्स के बिना मर्जी के मीटर बदली नहीं किया जा सकता। कंज्यूमर चाहे तो ISI मार्क का मीटर खुद लैब टेस्ट करवा कर लगा सकता है। इसी मामले में महिला ने बोलती टोरेंट पावर के कर्मचारियों की कैसे बंद कर दी, देखे ये वीडियो। नहीं अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो डिजिटल मीटर लगे हुए है, हाँ। डिजिटल है जी। इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें जो रीडिंग आती है उसके हिसाब से हम लोग RCPL निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं सुनिए, अगर मीटर जंप होता है तो सिस्टम में दिखता है कि नहीं? आपके सिस्टम मुझे इतना कमर्शियली दिखेगा ना, कमर्शियली जब आप कमर्शियली चल रहे जब मैं आपके पास में आने के बाद में लेकर वो चीजें, वो सभी चीजें मुझे सिस्टम में मिल रही है और ये आज भी कंप्यूटर पे अवेलेबल है। मैडम CPL में प्रीवियस रीडिंग मिलती है हर महीने की, प्रीवियस करेंट उसके अकॉर्डिंग जो आपका कंजम्पशन है, जो उसका दोनों का डिफरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो उसका बिल वन ईयर का डेटा दिखता है, यही चार चीजें नहीं दिखती है, पूरा जो आपको बोल रहे हो ना के साथ में दिखता है। CPL में हर महीने की करंट रीडिंग प्रीवियस रीडिंग दिखती है, उसका डिफरेंस दिखता है, उसका कंजम्पशन का जो बिल कैलकुलेशन है वो दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। लेकिन आपका जो 200 से 350 हुआ कैसे, वो दिखता है उसको CPL में? अभी तो बैंक के ऊपर तो झुक ना दिखाई दे रहा है मैडम, उसमें सिर्फ वो दिखेगा कि नवंबर में 200 यूनिट था, दिसंबर में 300 350 है, लेकिन 350 आया कैसे, वो कैसे अपन जस्टिफाई करेंगे या उसका उसका कैसे अपन उसका सोल्यूशन निकालेंगे? बीच में हमारा एक मीटर जो है ना जंप हुआ था यहाँ पे शॉप का, ठीक है, MSEB के उन्होंने बंदे को भेजा, मीटर आके टेस्ट किया, उन्होंने आके बताया कि भाई मीटर मीटर में फॉल्ट है, आके उन्होंने फौरन आके चेंज करके गए। बात खत्म। तो आप भी वही चीज रखो ना, टेस्ट करने जो देखो सबसे पहली बात तो सुनो, सबसे पहली बात तो आप अमीज और MSEB के बजाय अगर आप टोरंट आए हैं तो आपका ये काम बनता है कि सबसे पहले सारे कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करो। नहीं आप सेटिस्फाई करने की बजाय सुनिए, आप ना कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की बजाय डायरेक्टली उनके पर मीटर का प्रोविजन निकाल दिए। क्या मतलब नहीं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, लोग वहाँ पर आपके ऑफिस पे आते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं क्या? नहीं होते। अरे सर वो एक दीवार से एक लेडी आके बैठी, सुबह से लेके शाम तक बैठ गई लेडी, बिल सिर्फ ये है कि भाई अगर किसका रीडिंग दिखा रही है तो उनको तो बिल देना ही है ना। मीटर में जैसे 200 से 350 का बिल आपके हिसाब से आपने बिल ज्यादा आ गया, उसको CPL में कमर्शियली ही आता जो मैं आपको समझाया, आप निकाल के देखिए वो टेस्टिंग करते हैं तो मीटर की टेस्टिंग में एक्यूरेसी लेवल आती है, उसका मीटर बराबर काम कर रहा है वो आता है, डाटा नहीं आता टेस्टिंग। अभी भी आपने क्या बोले, अगर हमको मीटर चेंज करने दो, इसके बाद में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे ऑफिस पे आओ, बराबर है ना? तो जब कंज्यूमर को आपके ऑफिस तक आना ही है,
तो फिर क्यों चेंज करवा रहे हो? मुझे अगर पूरी बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ये बात कर रहे हो, मेरी छोटी सी बात है, देखो आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग पूरी बिल्डिंग का वो मीटर चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो भाई रीजन तो बता नहीं रहे हो कि भाई यही है, बस खाली वो ये बता रहे हैं कि अपडेटेड मीटर लगा रहे हैं, तो अपडेटेड मेरा मीटर एक्सेप्ट कर लो ना। मैं भी समझा रहा था कि 200 से जो 350 आया वो जस्टिफाई कैसे करेंगे? आपके इधर प्रोविजन है ये कंज्यूमर राइट्स है मैडम, एक खुला दो आपको कंज्यूमर राइट्स है ना, इसको मानते हो? जब हम मीटर बदले एमईआरसी के थ्रू निकाला गया ये, आपको कंज्यूमर आपको जो हो लाइसेंस मिला है ये एमईआरसी के थ्रू मिला है, तो मेरा जो आईएसआई मीटर है वो भी तो है, उसका भी तो लाइसेंस वहीं से अप्रूव होगा ना। ऐसा प्रोविजन आपके इधर है क्या? प्रोविजन है, प्रोविजन रहेगा तो वैसे उनको टाइम दो, मैं आपसे पूछता हूं, लेने का है आपसे पूछता हूं, तो एक बार थोड़ी देर के लिए आप टर्न में आ जाइए, मैं अभी जा खड़ा हो जाता हूं। ओके ठीक है, आपको एक टाइम के अंदर में मीटर बदली करनी है। हर गली के अंदर आप जैसे मैडम रिस्पेक्टेड मैडम है, हर गली में एक नेता एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, हर मीटर हर नेता बोलेगा कि मुझे पहले मीटर लगा के मुझे चेक कराओ, ऐसे यहाँ पे कितनी गलियां हैं आपको और कुछ काम नहीं मैडम? अरे भाई मैडम पूरे भोलेनाथ नगर में जब मीटर बदली हो गया, पूरे सिबली में पूरा मीटर बदली हो गया, देवा में बदली हो रहा है, मुमरा में बदली हो रहा है, कलवा में बदली हो रहा है, पूरा कहीं भी बदली हुआ या नहीं हुआ हमको उससे मतलब नहीं है। मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं एक कंज्यूमर हूँ ना, आप मुझे ये बताओ, मैं एक आप मेरे पास में अगर आए हो, अगर मेरे से बात कर रहे हो, मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मुझे एज पर कंज्यूमर इतना राइट्स है अपना मीटर लाने का। देख मैं वही बोला, मुझे कंज्यूमर के हिसाब से अपना मीटर लाने का राइट है या नहीं है? आपकी ड्यूटी भी थी, जब महावितरण था, जब मीटर बिल 200-300 आ रहा था, चुपचाप बैठे थे सभी लोग, अच्छा ठीक है। अब जब हम लोग आए, हमने एक्यूरेट रीडिंग लिया, एक्यूरेट जब बिल आया, आपको ज्यादा लग रहा है। दूसरी बात, जब उसके पहले 12 घंटे 15 आपके बोलने का मतलब ये है, आपने थोड़ी देर पहले ये बोला कि जब महावितरण था, जब आपका बिल में प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब महावितरण की तरफ से मिस्टेक था क्या? देखिए मैडम ऐसा है, मैं किसी कंपनी के नाम लेके मैं आगे नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले यही बोला है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए, जब आप कंज्यूमर 12 घंटे जब लाइट आती है तो 12 घंटे का बिल देगा ना, बराबर, जब 18 घंटे 20 घंटे लाइट आएगी, जो एक्स्ट्रा घंटा आपने कंज्यूम को भी जोड़ेगा, मानती हूं भाई, मानती हूं, अगर 12 घंटे लगेगी तो 12 घंटे का बिल आएगा, वो खुद ही बहस कर रहे हैं, तो मैं उसमें बहस का अंत नहीं है। देखो सबसे पहले कहते हैं हमको नहीं करने का है, मेरा मीटर एक्सेप्ट करा, तुम्हारा अगर प्रोविजन है तो तुम टेस्ट करके दो ना, मैं टेस्ट करने के लिए नहीं ना, और तुम्हारे पास से मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रही हूँ, आपके पास में वो प्रोविजन है, मुझे ये सब पता है, क्योंकि अगर मैं ऐसी हवा में बात कर रही होती तो मुझे पता होता, मैं खुद आज ये खुद भी मेरे को वो चीज बोलते नहीं, क्यों बोले इन्होंने? आपके पास अगर वो प्रोविजन है, छोटी सी बात बोले, अगर आपके पास वो प्रोविजन है तो भाई बड़ी चीज एक्सेप्ट कर लो, नहीं है तो मत करो। ये हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मीटर लगाए हुए है वो मीटर को चेंज करने के लिए आए हैं, जो कि हमारे हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आप अगर मीटर चेंज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो मीटर लगे हुए है, तो आप एज पर एमईआरसी के कंज्यूमर राइट्स के हिसाब से हमारे जो एग्जिस्टिंग मीटर जो बोल रहे हैं चेंज करना है, हम मीटर ला के देते हैं आपको आईएसआई मार्क वाले, वो आप हमको टेस्ट करके दे दो, तो वो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका बोलना ये है टोरंट वालों का कि सिर्फ हम जो दे रहे हैं वही जो है उनके लेटेस्ट जो फैसिलिटी होती है ना सब, उसके साथ में बोले वो है, बाकी के दूसरे मीटर जो है कोई भी मार्केट में आईएसआई वाला मिल रहा है तो वो बोले वो भी वो एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं, क्यों नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है? वो बोलते हमारा ही सिर्फ मीटर लगाओ, दूसरा मीटर लगाना ही नहीं, लॉ भी बताया एमईआरसी का तरफ से जो कंज्यूमर राइट्स है ना, ये वो है, मैंने उनको ये दिखाई कि एज पर कंज्यूमर राइट्स कंज्यूमर को राइट्स है, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे? हाँ कंज्यूमर कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और दूसरा क्या ऑप्शन बचा है हमारे पास? तो अभी फिलहाल ये लोग बदली करने के लिए मीटर आए हैं, तो आप लोग बदली करने देंगे? नहीं, बदली करने नहीं देंगे, आप लोग के मीटर में कोई फॉल्ट नहीं है? नहीं फॉल्ट नहीं है, हम लोग वही बोला है, मैंने वो मीटर बदला दी, जो मेरा फॉल्ट थी था मैंने मीटर बदला है, लेकिन उन्होंने 3,000 रुपए बिल भेज दिए, जो कि 350-400 ज्यादा से ज्यादा आता था, 3,000 बिल भेजते हैं, 10,000 जिसकी सैलरी 10,000 बिल भर सकता है, नहीं भर सकता है ना, तो हम लोग नहीं लगाने देंगे आपको। अगर मीटर चेंज हो रहा है तो हम लोग को चाहिए ही नहीं। महीने का बिल कितना आ रहा है आप लोगों का मंथली? मंथली 500-600 बिल है, तो लोग 5,000-3,000 बिल डाले तो एक एक महीने का कैसा भरेगा? कैसा भरेगा कोई बिल जिसकी नॉर्मली 600-700 बिल आती है? तो अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, मीटर क्यों बदली करना चाह रहे हैं आखिर, कुछ इसकी वजह पर्सनल कुछ बता रहे हैं? वो चेंज करना है बोलते हैं, वो बोलते हैं साल भर हो गया ना, तो उसके बाद में मीटर चेंज करना पड़ता है, नहीं साल भर, दो साल के बाद में
मीटर चेंज करना पड़ता है, उसमें फॉल्ट हो चाहे ना हो।